मेरा बच्चा। हेलो, सुना तूने? अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो आज के बाद ये आवाज तू कभी नहीं सुनेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी हर मांग पूरी करूंगा। वेरी गुड, तो फिर अब से ठीक एक घंटे के बाद 1 करोड़ रुपया लेकर नारीमन पॉइंट के डेड एंड पर आ जाओ। क्या तुम मेरे बच्चे को भी वहां लेकर आओगे? सवाल नहीं, सवाल नहीं। पैसा मिलते ही तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास पहुंचा दिया जाएगा। हाँ, अगर चालाकी करने की कोशिश की ना तो जानते हो क्या होगा? मुझे छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे टुकड़े करने में बहुत मजा आता है। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं पैसा लेकर आ रहा हूं, मैं पैसा। क्या मांग रहा था वो? उसे हमारी सारी जायदाद दे दो, लेकिन मेरे मुन्ने को ले आओ, मेरे मुन्ने को ले आओ। घबराओ मत, मैं पैसा लेकर जा रहा हूं, मैं मुन्ने को लेकर ही आऊंगा। तुम लोग नारीमन पॉइंट के डेड एंड पर पहुंचो, वहां पर मखीजा से 1 करोड़ रुपया वसूल कर लेना। हाँ सुनो सुनो, सबूत छोड़ने की मुझे आदत नहीं। पैसा मिलते ही मखीजा को खत्म कर देंगे। शाबाश, चलो चलो। सर, वो कॉल ट्रेस हो गई है, किडनैपर कंपाला हिल के इलाके में कहीं मौजूद है। कानून के हवाले कर दो, वरना मजबूरन हमें गोली चलानी पड़ेगी। ए अफजल, अरे फायरिंग शुरू करो। किडनैपर है, जिस पर देश के कई राज्यों में बच्चे अपहरण करने का मुकदमा चल रहा है। यह मुल्जिम इतना शातिर और चालाक है कि अपने पीछे गुनाहों का कोई भी सबूत नहीं छोड़ता। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक मनगढ़ंत कहानी सुनाकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे मुवक्किल एक निहायत ही ईमानदार और इज्जतदार शहरी है। अगर ये इज्जतदार और ईमानदार है तो डिफेंस काउंसिल की नजर में चोर, डाकू, खूनी सब देवता और महात्मा कहलाएंगे। ऑर्डर योर ऑनर,
जब तक कोई जुर्म साबित नहीं हो जाता, मेरे मुवक्किल को मुजरिम कहने का हक किसी को नहीं है। आज तक कोई भी केस, कोई भी मुकदमा इन पे साबित नहीं हो पाया है, सो इस लिहाज से ये बेगुनाह हुए। हाँ, इनका सिर्फ एक जुर्म है, उस दिन मौका वारदात पे ये कंपाला हिल्स के इलाके में मौजूद थे। उस इलाके में तो और भी लोग रहते हैं, फिर पुलिस ने इनको ही क्यों पकड़ा? पुलिस ने अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए मेरे मुवक्किल को मोहरा बनाया, क्योंकि किडनैपर्स के साथ क्रॉस फायरिंग में पुलिस के हाथों वो मासूम बच्चा मारा गया। इसलिए पुलिस अपने माथे की कालिक मेरे मुवक्किल के मुंह पे पोंछना चाहती है। पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये साबित कर सकता है कि हमारा मुवक्किल उस लौंडा का अपहरण किया है, अगवा किया है, उसका किडनैप किया। ऐसा कोई सबूत नहीं है, समझे कि नहीं आप? आई एम सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरी अदालत से ये गुजारिश है, ये दरख्वास्त है कि मेरे मुवक्किल को बेगुनाह साबित करते हुए पाइज़त बरी कर दिया जाए। मिलॉर्ड, कॉटेज से जो भी सबूत मिले हैं उनकी जांच पड़ताल हो रही है, और जब तक अदालत को पूरी रिपोर्ट नहीं मिल जाती, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस खतरनाक मुजरिम को जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए। मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप मेरे मना करने के बावजूद मेरे मुवक्किल को बार बार मुजरिम कहकर पुकार रहे हैं। आप जानते हैं ये दिल के मरीज हैं, ही इज अ हार्ट पेशेंट, यू नो। मिस्टर राजू, आर यू ओके? योर ऑनर, माय क्लाइंट इज अ हार्ट पेशेंट, ही इज बीन सफरिंग फ्रॉम एक्यूट केस ऑफ एंजाइना। इनके चेहरे का पसीना देखिए, इनके चेहरे से चलती हुई सांसें देखिए, देखिए। मिलॉर्ड, अगर मेरे क्लाइंट को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदारी कानून होगा या अदालत होगी, और आप होंगे मिलॉर्ड, आप। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को अपने खर्चे पर किसी अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज कराने की इजाजत दी जाए। यह है इनकी मेडिकल रिपोर्ट। कहते हैं कि कानून अंधा होता है, लेकिन इस अदालत का जज अंधा नहीं, उसकी आंखें हैं, वो देख सकता है, सही और गलत की पहचान भी कर सकता है। जब तक पुलिस की तहकीकात पूरी नहीं हो जाती, अदालत राजू भटनागर को जुडिशियल कस्टडी में रखने का हुक्म देती है। मेरा नाम बद्री नारायण डागा यूं ही नहीं है, मैंने सिर्फ जीतना सीखा है, सिर्फ जीतना। आज तक कोई केस नहीं हारा, और ना ही तुम पे कोई केस साबित होने दिया है, और इस केस से भी मैं तुम्हें बहुत सफाई से बचा ले जाऊंगा। दो चार पेशी, दो चार सुनवाई, मामला फिनिश। लेकिन ये जज थोड़ा टेढ़ा लगता है। उसकी फिक्र तुम मत करो, डागा ने अच्छे अच्छे टेढ़ों को सीधा कर दिया है। फिर ये जज चीज क्या है? मोना डार्लिंग, क्यूटी पाई, स्वीट हार्ट, टाइम टू गेट अप। आई सी, मोना डार्लिंग, देखो कौन आया है तुम्हें जगाने के लिए। मोना डार्लिंग, बाहर तो आप एक बड़ी शेरनी बनी फिरती हैं, और यहाँ एक छोटे से मामूली कॉकरोच से डर गई। कॉकरोच शेर से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है डैडी। चलिए, कम से कम कोई तो ऐसी खतरनाक चीज है जिससे हमारी बेटी डरती है, वरना आपके डर से तो हमारे सारे नौकर भीगी बिल्ली बने हुए हैं। क्यों नहीं, आफ्टर ऑल मैं एक जज की बेटी हूँ, यू नो डैडी, इन सबको कंट्रोल में रखना पड़ता है। हाँ, कंट्रोल में तो रखना पड़ता है, मगर फिलहाल आप कंट्रोल में आ जाइए, क्योंकि आपके कॉलेज के जाने का वक्त हो गया। ओह शिट। 61। यस सर। 62। उपस्थित हूँ श्रीमान। धन्यवाद। बालकों और बालिकाओं, प्रेम इस संसार की परम शक्ति है। अजंता और अलोरा की गुफाओं से लेकर जमुना किनारे निर्मित ताजमहल
प्रेम के रंगों की विभिन्न व्याख्या करते हैं। इसी तरह की एक अद्भुत प्रेम कथा है शकुंतला और दुष्यंत की। इस कथा की एक खास विशेषता। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।